हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना इंग्लिश का काम स्टार्ट करते हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर यहाँ तक किया था, आज हम आगे करेंगे। हर सिल्वर मेडल, उनका जो रजत पदक था, विन द वुमेन्स सिंगल इवेंट, महिलाओं की एकल जो प्रतियोगिता थी, घटना थी उसमें, ऑफ द 2016 2016 की समर ओलंपिक, 2016 के गर्मियों के जो खेल हुए थे उसमें, मेड हेयर, उसे बना दिया द फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय सेटलर टू रीच द फाइनल, जो कि फाइनल तक पहुंची, ऑफ एन ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट, जो कि ऑफ एन एक ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट थी, घटनाएं थी, एट द यंगेस्ट इंडियन, पहली भारतीय युवा महिला थी जो कि फाइनल तक ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में फाइनल तक पहुंची थी, टू मेक, और बनाया था ए पोडियम, एक मंच फिनिश पूरा करने का, इन एन इंडिविजुअल इवेंट, एक व्यक्तिगत घटना के रूप में, एट द ओलंपिक, ओलंपिक खेलों में एक व्यक्तिगत घटना के रूप में अपना पहला मंच बनाने वाली एक पहली भारतीय युवा महिला थी। पुसरैला वेंकटा सिंधु आज बोर्न, जन्मी थी इन तेलुगु फैमिली, एक तेलुगु परिवार में, टू पी वी रमना, जिनके पिता का नाम पी वी रमना था, रमन था, एंड पी विजय, और माता का नाम था पी विजय, बोथ फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर्स, जो कि पहले ही क्या करते थे, वॉलीबॉल के प्लेयर थे, खिलाड़ी थे। आगे आपका, इन 2000 में रमना वाज अवार्डेड, रमना को पुरस्कृत किया गया अर्जुन अवार्ड से फॉर हिज स्पोर्ट्स, अपने खेलों के लिए, दो हर पेरेंट्स प्लेड प्रोफेशनल वॉलीबॉल, इस प्रकार से उनके माता पिता एक पेशा था वॉलीबॉल खेलने का। सिंधु ने चयन किया बैडमिंटन का ओवर इट, इसकी बावजूद भी, इसके ऊपर से जाकर, इट बिकॉज, या क्योंकि सी ड्रू, वह डल चुकी थी इंस्पायरेशन, प्रेरणा में, फ्रॉम द सक्सेस, सफलता से, और पुलैला गोपीचंद की सफलता से वह प्रेरणा में डल चुकी थी। द 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन, 2001 में इंग्लैंड ने क्या किया था, जो विश्व स्तर पर चैंपियन खेलने के लिए बोला गया था, मतलब कि चैंपियन के लिए इकट्ठे किए थे, सी इवेंचुअली स्टार्टेड प्लेइंग, उसने अंत में खेलना शुरू कर दिया बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8 साल की उम्र में उन्होंने अंत में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। सिंधु हमेशा दिखाती थी ट्रीमेंट्स होता आपका जबरदस्त, अच्छा कह सकते हैं जिसे हम, कमिटमेंट मीन वचनबद्धता, एंड हैज बीन एबल टू ओवरकम होता आपका काबू पाना, ऑल डिफिकल्टीज सभी मुश्किलों से, प्रॉब्लम से, टू एमर्ज मीन उभरना, विक्टोरियस जीत। सिंधु एज ऑलवेज शोन, सिंधु हमेशा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती थी, एंड वह योग्य थी ओवरकम काबू पाने की, वह और अपनी सारी की सारी जो मुसीबतें उत्पन्न होती थी उन पर वह अपनी जीत हासिल करती थी। सिंधु करती थी वेल, अच्छा, इन ऑल द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो या तो राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन टूर्नामेंट हों या फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय, उस सभी में वह एक अच्छा प्रदर्शन दिखाती थी। दैट सी हैज पार्टिसिपेटेड, जिनमें भी वह भाग लेती थी। सी हैज ऑलवेज रिसीव्ड, उसे हमेशा प्राप्त होता था द स्पोर्ट्स सहारा ऑफ हर फैमिली, उनके परिवार का, एंड फ्रेंड्स और मित्रों का। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम थर्ड पार्ट में करेंगे।